हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी स्क्रीनिंग जो है एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा के अंदर, जिसका हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था। उसके साथ ही जो है 7 तारीख से जो है आपका फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो भाई जिसको जिसकी भी क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि भाई जो इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड है तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि भाई पहला जो आपका पड़ाव है वो है स्क्रीनिंग एग्जाम, यानी कि ये वाला पेपर क्वालिफाई करने के बाद देन आप मेंस में पहुंचोगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री के ऊपर, एक तरीके से स्क्रीनिंग के ऊपर, कि इसको आपको किस तरीके से पार करना है, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी हमें इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि 4 टाइम्स कैंडिडेट को जो है ये लोग मेंस का जो 4 टाइम बच्चे होंगे वो मेंस का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है भाई। तो 4 गुना बच्चों को मौका मिलेगा, तो भाई उसके लिए आपको जो है तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका ये वाला पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे स्क्रीनिंग जो पेपर है आपका, ठीक है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्यों बता रही है, हम सभी को पता है वैसे तो नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1 ऑप्शन और दिया जाएगा ई। अगर आपको इन 4ों में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरना, खाली छोड़ना है, तो भी आपको ई को सर्कल करना पड़ेगा कि नन, मतलब आप इनमें से कोई भी नहीं भर रहे हो। अगर आपने इन 5ों को, मतलब 5ों के 5ों छोड़ दिए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन छोड़ने पे भी आपका नेगेटिव मार्क कटेगा। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, तो बेसिक चीज है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आपको स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि जो आपका पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। किस तरीके का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि जो आपका मेन वाला पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का है, क्योंकि भाई आपका नेट क्लियर होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो आपका जो लेवल है, ऑब्वियसली आप समझ गए कि भाई आपका लेवल स्कूल लेवल का तो चलेगा नहीं, आपको हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको जो है नेट के PYQ जो है प्रेफर आप कर सकते हो कोर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अभी तक देखो सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है वो तो आपके रहेंगे। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, कंपाइलर हो गया, TOC हो गया, तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं ये तो आपके रहेंगे ही, ठीक है। एडिशनल चीजें और लगा सकते हैं, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अभी तक जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पहले एग्जाम होते आए हैं ऑलमोस्ट सेम है, बस उस पेपर को इन्होंने स्क्रीनिंग बना दिया और ये पेपर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया है ना। वहां पे क्या होता था कि उसके बेस पे चीजें होती थी, बट यहाँ पर जो है ये वाला पेपर होगा वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जैसे पहले होता आ रहा है, लेकिन बस ये प्री का नाम दे दिया है। तो उसी तरीके से आप लेवल देख सकते हो कि भाई उस लेवल का जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए जो है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो MCQ में रहती है वो यही रहती है कि 4 ऑप्शन को देखकर हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आएगा कि ये आएगा। अब वो जो आपको इम्प्रूव करना है वो आपको प्रैक्टिस से इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसको आप गो थ्रू करेंगे, सिलेबस पे जाएंगे, सिलेबस को कवर अप करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सिलेबस करने के बाद जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके बेस पे आप जो है नेट के क्वेश्चन लगा लो, गेट के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। एक तरीके से जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना वेल एंड गुड है। तो भाई आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है लास्ट टाइम 2019 को देखने को मिली थी और अब जो है इतने 5 साल के बाद आपको देखने को मिली है। तो भाई इन चीजों को हल्के में मत लो, क्योंकि फिर मतलब आपको ये वाला पेपर करना है, फिर आपको मेन में पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है जिसमें आपको 25% का क्राइटेरिया, एक तरीके से बोला जाए तो 100 में से 25,
लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, तो भाई तैयारी आपको थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जो पूरा जो है, मतलब जो 100 के 100 क्वेश्चन है, क्या वो सारे आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो पूरा जो है 90% हम बोल सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 90 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। और जो ये 10 वाला है, 10% एक तरीके से है, इसमें आपको हो सकता है कुछ हरियाणा जीके के 2 क्वेश्चन दिख जाए, मैथ और रीजनिंग दिख जाए, मतलब इस तरीके से आपको 2-4 क्वेश्चन एडिशनल दिख सकते हैं। तो भाई इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे 10 मार्क्स को थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चल सकते हो कि हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, हो सकता है कि 100 के 100 आपको अपने सब्जेक्ट से देखने को मिल जाए, लेकिन 10 मार्क्स का आप इस तरीके से थोड़ा सा मान के चल सकते हो कि हो सकता है 2-4 चीजें आपको थोड़ी एडिशनल देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, लेकिन आपको पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे ही रखना है। सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो भाई मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इन चीजों पे जाने की, अगर मैथ्स रीजनिंग आ रही है तो आप आराम से कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप आराम से इसमें 50 मार्क्स लेके आप जो है मेन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से करना है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस को गो थ्रू करना है, और बच्चे जो है जब से आया है तब से बच्चे बोल रहे थे मैम बैच, तो बैच जो है वो आपका आ चुका है, स्क्रीनिंग का बैच आ चुका है HPSC स्क्रीनिंग का। तो जिसको भी है कि भाई मुझे स्क्रीनिंग की तैयारी अभी से ही करनी है तो डेफिनेटली आप आ सकते हो, ताकि हम अभी से ही अपनी तैयारी शुरू करके फटाफट जो है चीजें कर सके। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जो है 6263-121-131 पे कॉल करके पूछ सकता है, मतलब किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। बाकी आपका जो है इसमें जो है कोर्स में जैसे ही आप कॉल करोगे, वैसे भी जो है चीजें मैं आपको डिटेल में ही करवाती हूँ, कोर्स में जिस भी बच्चे ने किया होगा डिटेल में चीजें रहती हैं, लाइव क्लास होगी, इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, आप जो है नॉर्मल बाद में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल पे पूछ सकते हो, आपका जो है प्री क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी, तो ऐसा जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ये आपका पूरा स्क्रीनिंग का पार्ट है। आई होप आपको स्क्रीनिंग वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको करना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जैसे सिलेबस अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी बता दूंगी कि क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से जो है चीजें क्लियर हुई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।